योगी बाबा का जब बुलडोजर गरजता है तो उसकी दहाड़ दूर तक सुनाई देती है। इस बार बुलडोजर गरजा डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में। यहां बाबा जी के बुलडोजर ने गजब कारनामा कर दिया। वो कारनामा खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सुनाया है, जिसे सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अब भाजपा शहीदों के स्मारक पर भी बुलडोजर चलवा रही है। मैनपुरी में कारगिल के वीर शहीद मुनीश यादव के सन 2000 में बने प्रतिमा स्मारक को मिट्टी में मिलाने का जो दुस्साहस प्रशासन ने शासन के इशारे पर किया है, उससे देश के सैनिकों और देश प्रेमियों के बीच मूक आक्रोश पनप रहा है। देश के मान सम्मान के लिए जीवन न्योछावर करने वालों की शहादत का मोल भाजपाई कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज़ादी के आंदोलन में जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देने की बजाय औपनिवेशक शासकों के कान आग बनकर रहे, वो भला बलिदान की कीमत क्या जाने। भाजपा की सियासत शहीदों में भी भेदभाव करने लगी है। ये नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है। लंबे चौड़े पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव ने बीजेपी की योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भाजपा में जरा सी भी शर्म बची है तो मंडल से लेकर जिले स्तर के सभी बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित करें और प्रतिमा स्मारक की सम्मान पुनर्स्थापना करें, नहीं तो ये काम भी हम सब मिलकर करेंगे। घोर 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 निंदनीय। दरअसल अखिलेश यादव जिस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर गुस्सा हो रहे हैं, वो मामला मैनपुरी का है, जहां कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक के स्मारक स्थल की जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। परिजनों का आरोप है कि बिना सूचना दिए लेखपाल की मिलीभगत से कार्रवाई हुई। हालांकि इसकी शिकायत उन्होंने डीएम से की है, जिसके बाद अधिकारियों ने पूरे मामले पर कार्रवाई का भरोसा परिजनों को दिया है। ये समाधि स्थल जो है गुटारा गांव में कतिपय लोगों द्वारा वहाँ पर प्रार्थना पत्र स्टेम को दिया गया था, जिसके संदर्भ में कल वहाँ पर चरणदी की तनाइश कराई गई थी। जहाँ तक आपके द्वारा बताया गया है कि क्षतिग्रस्त हुआ है प्रतिमा स्थल, उसके बारे में तत्काल अभी निर्देशक पुनः कर दिया गया कि तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बना देंगे जो जाकर के पुनः तनाइश कर देगी, वो न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे। यह भी निश्चित किया गया है कि वे संबंधित लेखपाल के कृत्यों की भी जाँच करें अपने स्तर से और उसकी रिपोर्ट निकालें। सुना आपने, अधिकारी कह रहे हैं कि टीम गठित कर दी गई है, जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई हुई तो हुई कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि शहीद स्मारक स्थल की दीवार पर बुलडोजर चलाने की परमिशन किसने दी।